वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 7.3। तो एक्सरसाइज 7.3 में हमारे पास दो नए कॉन्ग्रुएंस रूल आ चुके हैं, SSS एंड RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो देखो, अभी तक हमने इससे पहले जो कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़े थे वो थे SAS साइड एंगल साइड रूल, उसके बाद ASA यानी एंगल साइड एंगल, और उसके अलावा AAS एंगल एंगल साइड रूल। तो देखो, इस एक्सरसाइज में हमें इन दोनों कॉन्ग्रुएंस रूल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों कॉन्ग्रुएंस रूल्स को पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो SSS देखो, ये नाम से पता लग रहा है, देखो S स्टैंड फॉर साइड, ठीक है। तो S स्टैंड फॉर साइड, तो ये हो गया साइड साइड एंड साइड, ठीक है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। देखो ट्राइंगल्स की कितनी साइड होती है, बेसिकली एक ट्राइंगल में तीन साइड होती है, तो इसमें तीनों साइड ही ले लिया। यानी कि अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बराबर हो जाए तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ठीक है। जैसे देखो ये दो ट्राइंगल्स है ABC और DF, तो देखो इसमें जो BC साइड है वो EF साइड के बराबर है, AB साइड जो है वो DE साइड के बराबर है, एंड AC साइड इक्वल टू DF। तो इस केस में जो ट्राइंगल्स की दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ठीक है। ये आपका रूल है SSS। इसके बाद देखो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है, अगर दो राइट ट्राइंगल्स है, तो देखो राइट ट्राइंगल क्या होती है, वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है। तो देखो ABC में, जैसे इसमें एग्जांपल ले लिया, ABC में B एंगल राइट एंगल और इसमें Q एंगल, ठीक है। तो इफ़ इन टू राइट ट्राइंगल्स द हाइपोटनियस, एक तो हाइपोटनियस वाली साइड एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल, और अगर एक साइड कोई भी, देखो हाइपोटनियस के अलावा बाकी दो साइड्स बची, तो उनमें से कोई भी एक साइड दूसरी ट्राइंगल की एक साइड के बराबर हो जाए तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। जैसे देखो यहाँ पर मैंने ले लिया, देखो एक दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ए सी हाइपोटनियस पी आर हाइपोटनियस के बराबर और ए बी साइड पी क्यू साइड के बराबर, तो इस केस में आप कॉन्ग्रुएंट कर पाओगे। अब आप कहोगे कि सर हमारे पास SAS रूल था तो हमें इस RHS रूल की जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। वैसे मैं RHS की डेफिनेशन बताता हूँ। RHS क्या है, R फोर राइट एंगल, H फोर हाइपोटनियस और S, ठीक है। अब देखो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि जब हमारे पास SAS था तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखो आप एक बात सोचो, जब SAS लेते हैं तो जो साइड एंगल और साइड लेते हैं तो जो एंगल होता है वो इंक्लूडेड होता है। अगर इंक्लूडेड एंगल नहीं है और फिर भी दो साइड्स इक्वल है तो हम श्योर नहीं है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। बट यहाँ पर देखो ये दोनों राइट ट्राइंगल है, तो देखो इसमें ये एंगल जो है ये ज़रूरी नहीं इंक्लूडेड है ही नहीं है, ये दो साइड्स इक्वल है और ये एंगल इक्वल है तो भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो जहाँ पर अगर SAS रूल नहीं लग रहा और राइट ट्राइंगल है तो उस केस में आप ये रूल की मदद से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो मैं आपको देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो AC हाइपोटनियस DF हाइपोटनियस की इक्वल है, ठीक है, और AB साइड DE साइड की इक्वल है, तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे है? तो देखो हमारे पास जब दो साइड है तो हमारे पास एक रूल है, वो है हमारे पास SAS। तो देखो SAS रूल के लिए देखो, अगर SAS रूल अप्लाई करना है तो अगर आप AB साइड लेते हो और एंगल B लेते हो तो आपको BC साइड को EF साइड के इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो वो देखो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले समझो, यहाँ से अगर मैं इस साइड की वैल्यू निकालना चाहूँ BC की, तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी BC की वैल्यू जो आएगी, BC का स्क्वायर आएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाय विच रूल, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस रूल होता है हाइपोटनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू BC की वैल्यू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर निकाल ली। अब देखो AC जो साइड है वो किसके बराबर है, AC साइड हमारे पास DF साइड के बराबर है, तो ये इज इक्वल टू डी एफ स्क्वेयर माइनस ए बी जो साइड है वो डी साइड के बराबर है। अब देखो इस साइड में के स्क्वेयर में से जब आप इस साइड का स्क्वेयर घटाएंगे तो क्या बचेगा, ई एफ का स्क्वेयर,
ठीक है, यानी कि BC का स्क्वायर EF साइड के स्क्वायर के बराबर, यानी BC साइड जो है, अगर यहाँ से स्क्वायर से मैं स्क्वायर कैंसिल कर दूँ तो BC साइड EF साइड के बराबर, यानी ये साइड इसके बराबर हो गई, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब देखो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये एंगल, तो कौन सा रूल अप्लाई हो गया, SAS रूल। यानी कि अगर एक दो राइट ट्राइंगल्स में एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड इक्वल है तो भी वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर, बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस। देखो, ट्राइंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेल्स ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम बेस BC इफ AD इज एक्सटेंड टू BC एट P, सो दैट फर्स्ट, देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें ट्राइंगल ABD को, इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब देखो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड जो है वो कॉमन साइड, इसलिए ये ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बाई SSS रूल। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, अब देखो आपको करना है ABP यानी कि ये ट्राइंगल, ठीक है, और ACP यानी कि ये ट्राइंगल, इस दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो एक चीज़ तो हमें मिल गई कॉमन AP, ठीक है। अब देखो आपको बाकी दो चीज़ें देखनी है, तो देखो AB AC के इक्वल ये भी गिवन हो गई, ठीक है। अब दो साइड मिल गई, अगर तीसरी साइड नहीं मिल पा रही तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है इंक्लूडेड एंगल देखने का, ठीक है। अब देखो आपने पहले ABD और ACD ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो जो ये एंगल है और ये एंगल है बाई CPCT इक्वल हो गए, और अगर ये एंगल इक्वल है तो इस पूरी ट्राइंगल के लिए ABP के लिए भी तो इक्वल ही होंगे, ठीक है। अगर वो ABD ट्राइंगल के लिए इक्वल है तो ABP के लिए भी होंगे, यानी साइड एंगल साइड रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि जो AP जो साइड है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को और एंगल D को, बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। तो देखो बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाए, बाइसेक्ट करने का मीनिंग तो यही हुआ। अब देखो बाइसेक्ट कैसे करेगा, आपने बता दिया कि ट्राइंगल जो ABP है और ट्राइंगल ACP है दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है, अगर दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स या कॉरिस्पॉन्डिंग पार्टीज के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ऐसे ही आपको दिखाना है कि इस D को भी बाइसेक्ट करें। अब D को कैसे कर दिखा सकते हैं हम, इसके लिए देखो हमारे पास हम ये दो ट्राइंगल्स ले सकते हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल ये ले लें एक ट्राइंगल ये ले लें, ठीक है। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहली चीज़ ये साइड इक्वल, ठीक है, और क्योंकि ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो ये इसके इक्वल, एक चीज़ ये हो गई एक ये हो गई, और ये जो DP साइड है अगेन ये कॉमन, तो अगेन दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल BPD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD, और अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल BDP इज इक्वल टू CDP, ठीक है, और ये दोनों एंगल इक्वल तो ट्राइंगल सॉरी एंगल जो होगा वो बाइसेक्ट होगा, ठीक है। तो आपने प्रूव कर दिया कि जो AP है वो A एंगल को भी और D एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद देखो लास्ट प्रूव करना है कि जो AP है, ये जो साइड है AP जो साइड है, ठीक है, दिस साइड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में देखो एक तो परपेंडिकुलर होता है, यानी आपको इस एंगल को 90 प्रूव करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको क्या प्रूव करनी है कि बाइसेक्ट करे, यानी ये इतना पार्ट या BP पार्ट इक्वल टू PC पार्ट, ठीक है, ये करना है। तो देखो आपने कर चुके हो कि ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP है, तो अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT BP इक्वल टू CP, पहला पार्ट तो हो गया कि बाइसेक्ट तो कर रहे साइड को, अब परपेंडिकुलर दिखाना है। तो देखो परपेंडिकुलर दिखाने के लिए आप क्या करोगे, आपने ये पता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, कौन कौन से, एंगल APB इक्वल टू एंगल APC।
अब ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो ये दोनों एंगल्स देखो यहाँ से क्या बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, यानी ये लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से देखो आप इसकी जगह प्लस की जगह आप क्या लिख दोगे, सॉरी इक्वल की जगह क्या लिख दोगे, अब प्लस लिख दोगे और इसका सम दिखा दोगे 180 डिग्री। अब देखो ये भी इक्वल और ये भी इक्वल, तो दोनों को एक ही नाम दे दो, एंगल ए पी भी ले लें, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए पी बी की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये जो 2 है ये अपॉन में चला गया 180 के, यानी कि 90, ठीक है। तो इस तरह तरीके से परपेंडिकुलर भी हो गया और बाइसेक्टर भी हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। देखो सेकंड क्वेश्चन, ए डी जन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू ए सी सो दैट ए डी बाइसेक्ट बी सी। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। देखो आपको दो चीज़ें प्रूव करनी है, ए डी जो है वो एल्टीट्यूड दिया हुआ, एल्टीट्यूड मतलब राइट एंगल, तो आपको प्रूव करना है कि ए डी बाइसेक्ट पी सी, मतलब बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि बी डी साइड को डी सी साइड के इक्वल दिखाना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और दूसरा इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखाना, तभी बाइसेक्ट प्रूव होगा। तो इसके लिए देखो हमारे पास सिंपली एक तरीका है कि हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, किस किस को, ट्राइंगल ए बी डी को, ट्राइंगल ए बी और डी, ठीक है, एक ट्राइंगल तो ये और ट्राइंगल ए सी डी। अब देखो इसमें यहाँ पर एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई, ए डी कॉमन है, ठीक है। दूसरी चीज़ ए बी इक्वल टू ए सी है। अब कोई हमेशा इंक्लूडेड एंगल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास राइट ट्राइंगल में आर एच एस रूल है, तो देखो राइट एंगल भी इक्वल, राइट एंगल है दोनों, तो देखो राइट एंगल ये एक साइड हो गई ट्राइंगल की और ये हाइपोटनियस हो गया, तो राइट एंगल हाइपोटनियस और साइड रूल से ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो बाय आर एच एस रूल दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी बाइसेक्ट बी सी हो गया, और इसके अलावा जो एंगल्स है वो भी इक्वल हो गए बाई सी पी सी टी। थर्ड क्वेश्चन देखो, टू साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ऑफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो फर्स्ट पार्ट में देखो ए बी एम को, देखो आपको ए बी एम को इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है, तो जो जो चीज़ें चाहिए वो आपके पास है, आपको ए बी इक्वल टू पी क्यू मिल रहा है, आपको बी एम इक्वल टू क्यू एन मिल रहा है, और ये इक्वल टू इसके मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए ए बी एम और पी क्यू एन बाई सी पी सी टी, सॉरी बाई एस 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 रूल, ठीक है, बाई एस 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 रूल से ये तीनों दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब देखो ए बी सी को ट्राइंगल को पी क्यू आर ट्राइंगल के, अब देखो ए बी सी यानी अब ये पूरी ट्राइंगल आ गई ए बी सी और पी क्यू आर, अब ये पूरी ट्राइंगल्स आ गई, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें केवल ए बी साइड पी क्यू साइड के इक्वल पता है, ना ही हमारे पास पूरी बी सी साइड और ए सी साइड और पी इस साइड के बारे में, तीसरी साइड के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है, इसके बारे में तो हमें कुछ बताया नहीं। तो जितना आपके पास मैटर है उसी से आपको करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ पर एक बार गौर करें तो देखो आपको कहा था क्वेश्चन में कि मीडियन है, तो मीडियन क्या करती है, मीडियन सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को टच करती है, तो वहाँ पर अगर मिड पॉइंट है तो ये साइड इस साइड के बराबर हुई, ठीक है, समझ में आया, ऐसे ही ये साइड इसके साइड के बराबर हुई। अब देखो बी एम साइड क्यू एन साइड के बराबर है और ये मिड पॉइंट है, तो यानी इस साइड का अगर आप डबल कर दोगे तो इस साइड के डबल के इक्वल आएगा, कैसे, देखो मान लो बी एम टू है तो क्यू एन भी टू है, अब बी सी क्या आएगी, इसका डबल 4 और क्यू आर क्या आएगी, इसका डबल 4, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल हो गया। तो देखो बी एम साइड और क्यू एन साइड जो है
देखो मैं कह रहा था कि बी एम साइड और क्यू एन साइड इक्वल है, अब ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से देखो बी एम क्या है, हाफ बी सी इक्वल, क्यू एन क्या है, हाफ ऑफ क्यू आर। अब जब हाफ पार्ट इक्वल है तो पूरी साइड भी इक्वल होगी, यानी बी सी इक्वल टू क्यू आर। तो ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, तो ये एंगल इसके इक्वल। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे, अरे आप ट्राइंगल ए बी एम को ट्राइंगल पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट कर चुके हो, तो ये ऐसे कैसे आएगा, ये सी पी सी टी से आएगा। तो एंगल ए बी एम इक्वल टू पी क्यू एन है, तो ये जो बी एंगल है पूरी ट्राइंगल के लिए भी तो है, ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर। तो यहाँ से देखो ए बी इक्वल टू पी क्यू आ गया, ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर आ गया, और बी सी इक्वल टू क्यू आर आ गया। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई बाई एस ए एस ओ, ठीक है। अब देखो फोर्थ, देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपने 7.2 में किया है, ठीक है। वहाँ पर हमने इसको किया था, हमने ए एस ए रूल या ए एस रूल से। अब देखो इसमें इन्होंने कह दिया कि आपको आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल ही यूज करना है, और हम यहाँ पर हमें देखो परपेंडिकुलर्स मिले एल्टीट्यूड से, तो 90 का एंगल है, तो हम आर एच एस रूल बहुत ईजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो आर एच एस रूल के लिए आपको क्या क्या चाहिए, राइट एंगल चाहिए, हाइपोटनियस चाहिए और साइड चाहिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि सर हमें हाइपोटनियस का पता कैसे लगेगा, तो देखो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। जैसे एक राइट ट्राइंगल है, तो देखो इस ट्राइंगल में ये बेस और ये परपेंडिकुलर है, या इसको आप परपेंडिकुलर बेस और इसको परपेंडिकुलर कह सकते हो, ये इसमें मैटर नहीं कर, बट हाइपोटनियस हमेशा देखो कौन सी साइड होगी, जो परपेंडिकुलर के सामने होगी, यानी परपेंडिकुलर एंगल यानी 90 एंगल के सामने जो वाली साइड होगी उसी को हाइपोटनियस कहेंगे। तो आपकी नज़र वहाँ पे होनी चाहिए राइट एंगल हाइपोटनियस रूल के में, कि अगर आपको हाइपोटनियस इक्वल मिला है तो ही आप आर एच एस रूल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको हाइपोटनियस इक्वल नहीं मिल रहा, बाकी दोनों साइड्स मिल गई, तो फिर आप एस ए एस के पास जाएंगे। तो यहाँ पर देखो आपको आर एच एस रूल अप्लाई करना है, तो देखो ये दो ट्राइंगल्स है। अब ट्राइंगल्स तो इसमें बेसिकली चार बन रही है, आप कौन सी ट्राइंगल चूज करें यहाँ पे भी आपको दिमाग लगाना है। देखो अगर आप ऊपर वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, मान लो आपने ए बी ई ले लिया, ठीक है, एक मिनट के लिए सोचो। अगर आप ये ट्राइंगल लेते हैं तो इसमें ही परपेंडिकुलर ये है, तो हाइपोटेनस के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, ए बी, बट उसी को तो आपको इक्वल करना है, तो आर एच एस रूल इस ट्राइंगल के लिए तो अप्लाई नहीं हो सकता। फिर हम क्या करते हैं, हम नीचे वाली साइड को देखते हैं। देखो ट्राइंगल बी ई सी, अगर आप इस ट्राइंगल को लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर और इसके सामने वाली ये साइड, जब आप इस ट्राइंगल को लोगे तो ये इसमें भी आएगी, तो ये कॉमन साइड हो जाएगी, तो इक्वल हो जाएगी, तो हाइपोटेनस यूज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमें नीचे वाली ट्राइंगल्स लेनी पड़ेगी, कौन कौन सी, ट्राइंगल बी ई सी एंड ट्राइंगल सी एफ बी, ठीक है। एक तो ट्राइंगल बी ई सी लेंगे और एक लेंगे ये वाली सी एफ बी। अब देखो इसमें क्या क्या इक्वल मिला, सबसे पहला बी सी जो है वो दोनों में है, तो कॉमन हो गया, कॉमन हाइपोटेनस राइट एंगल है, और एल्टीट्यूड्स आपको इक्वल दे ही रखे हैं, ठीक है। तो ये बाई आर एच एस रूल कॉन्ग्रुएंट हो गए, पर आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ये दोनों, ये ट्राइंगल जो है वो आइसोसेल है। ट्राइंगल आइसोसेल कब होगी, जब दो साइड्स इक्वल होंगी, ए बी और ए सी। तो यहाँ से हम साइड्स को तो इक्वल प्रूव नहीं कर पा रहे, पर देखो जब आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो आप एंगल तो इक्वल कर पाए, कौन कौन से, एंगल सी और एंगल बी को, ठीक है। बी ई सी में तो ये सी एंगल पूरा आ गया, और सी एफ बी में ये एंगल पूरा आ गया, और ये एंगल अगर देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो 7.3 थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हो जाए तो उनके सामने वाली अपोजिट साइड जो है वो भी इक्वल हो जाएंगी, यानी सी एंगल के सामने कौन सी साइड, ए बी साइड, और बी एंगल के सामने कौन सी साइड, ए सी साइड। तो इस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल्स भी इक्वल हो जाएंगी, और अगर ये दो ट्राइंगल्स इक्वल हो जाती हैं तो जो आपकी ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगी, आइसोसेल्स, ठीक है, ओके। लास्ट पार्ट बिल्कुल ईजी, ए बी सी का आइसोसेल ट्राइंगल है, ठीक है, विद ए बी इक्वल टू ए सी, ओके, हमें ये साइड इसके इक्वल मिल गई। ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी हमें ड्रॉ करना है,
ये शो करने के लिए कि जो बी एंगल है वो सी एंगल के इक्वल हो जाए। अब एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखो आपने ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, आपको ए बी इक्वल टू ए सी मिल रहा है, आपने बी इक्वल टू सी दिखाना है, तो सिंपल सी बात है आप कॉन्ग्रुएंट करके ही दिखा सकते हो। अगर आपको कॉन्ग्रुएंट करना है तो यहाँ पर दो ट्राइंगल दी, इसलिए देखो आपने ए पी परपेंडिकुलर ड्रान किया बी सी पर, ठीक है। जब ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 और ये 90 हो गया, ठीक है, राइट एंगल हो गया। इसके 90 के सामने वाली साइड हाइपोटनियस, तो ये हाइपोटनियस साइड इक्वल हो गई इसके, और साइड कौन सी इक्वल हुई, ये वाली कॉमन, तो राइट एंगल हाइपोटनियस साइड, इस रूल से ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाई सी पी सी टी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज थी, आई होप आपको ये समझ में आई होगी, आप अच्छे से रिवाइज